हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज बताएंगे कि बच्चों को किस एज में कब और कैसे आप लिखना सिखा सकते हो, पढ़ना सिखा सकते हो, कैसे शुरुआत करें। बच्चा अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता तो वो कैसे लेंगे, ये सब बताऊंगी। आप सिखाने वाले बच्चों को कैसे एबीसीडी सिखा सकते हैं। बच्चों को लाइन के बाहर नहीं कहना चाहिए, लाइन के अंदर कहना चाहिए। अच्छा, ये देखिए, ये येस कलर हुआ है। ये क्या कलर हुआ है? येस कलर। तुम क्या कलर कर रही हो? येस कलर। रेड कलर तो कर रही हो, बट क्या चीज को कलर कर रही हो? एप्पल। वेरी गुड। एप्पल येस कलर होता है, मतलब इस रंग को बोलते हैं लाल कलर। ओके। और ब्लू रंग को बोलते हैं नीला कलर। ओके। को जो 18 महीने के होते हैं, तब से आप ऐसे क्रेयॉन्स, उनको क्रेयॉन्स ला के दो, क्रेयॉन्स या स्केच कलर, पेंसिल कलर, तो आप वो सब ला के दोगे तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेंगे। मैंने आहाना को ऐसे ही शुरुआत किया है, स्क्रबल करती थी, लाइन खींचती थी। ये देखो, आप ने इस टाइप की उसको दे दिया वो, और उसको पेंसिल दे दिया वो, इसको को कलर करने के लिए। कलर करने के लिए वो जितना हो सके उतना लाइन खींच रही है, भले जैसे खींच रही है, कुछ भी कर रही है, आप करने दो। बस उसको पेंसिल दे दो और कॉपी दे दो, वो जो करेंगे करने दो, आप उसको रोको नहीं टोको नहीं। बच्चों को कलर देना मत बंद करना कि वो दीवार में लिख देंगे या कुछ कर देंगे। आप उस पर नजर रखो, ध्यान दो, जितना हो सके बच्चों को बोलो कि लिखे, कोशिश करे। उनको बोलना कि हम खेलेंगे कलर कलर, आप उसके साथ कंपटीशन करो, कौन पहले करता है, मैं या आप, इस टाइप से। 3-4 दिन इस तरह से प्रैक्टिस करवाओ, वो घसते रहेंगे तो उसके बाद आप उसको सेब बना के दे सकते हो, मैंगो बना के दे सकते हो, एप्पल मैंगो। या आपको ड्राइंग करना नहीं आता बिल्कुल भी, तो आप ये बना लो, स्क्वायर, सर्कल, कोई भी कंटेनर लेके आप कर लो। फिर जब बच्चे इस पे कलर कर लेंगे, सीख जाएंगे, तो आप ऐसा ABCD बना लो और उसको डेली कलर करने दो। एक दिन में एक अल्फाबेट सिखाओ, जैसे मैंने आहाना को सिखाया है। मैंने आहाना को इसी तरह से सिखाया और उसको याद हो गया ABCD, और वो बहुत इंटरेस्ट लेती है, वो पढ़ती है, वो कभी मना नहीं करती कि मुझे नहीं करना मम्मा। इस टाइप का आप ड्राइंग कॉपी ले लो, 20 रुपए लगते हैं, 20 रुपए में ये आ जाएगी। और आप स्टार्टिंग में बच्चे को कुछ भी करवाओ, वो जैसे आना कर रही है, इस टाइप से आप करने दो, भले लाइन के बाहर करे, कुछ भी करे, आप करने दो, आप उसको रोको नहीं, वो अपने आप करते रहेंगे। 2-3 दिन आप ऐसे करने दो, फिर आप उसको धीरे धीरे समझाओ कि लाइन के अंदर करो बेटा, धीरे से करो, अच्छे से करो और लाइन के अंदर करो। फिर जब वो सीख जाएगा, वो आप उसको ABCD बना के दो, या नाने किया है, बस आप A बना के दो, वो कलर करेंगे। मैंने उसको वाटर कलर दिया था इसलिए उसने ऐसा कर दिया। आप चाहे तो क्रेयॉन्स यूज कर सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। आप एक दिन में एक अल्फाबेट सिखाओ, जिससे बच्चे को याद हो जाए। और फिर जब अगर सारे अल्फाबेट आप कवर कर लोगे, तो एक साथ आप ABCD लिख के उसको कलर करवा सकते हो, इस टाइप से। इस टाइप का आना बहुत इंटरेस्ट लेती है कलर करने में। देखिए गाइस, आप बच्चों को बोलना कि चलो हम पढ़ाई करते हैं, चलो हम कलर करते हैं, आप उसको लेके आओ, कलर्स दो, तो वो
कलर करना शुरू करेंगे धीरे धीरे। उसके बाद आप उसको ए बी सी डी बना के दो, उसको कलर करने दो, वो इंटरेस्ट लेंगे फिर उस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, मैंगो और एप्पल फिनिश हो जाएगा तो तुम अल्फाबेट सीखोगी। हाँ। ओके, तुमको अल्फाबेट सीखना पसंद है? हाँ, और वो तो बहुत सुपर हीरो बनता है। कौन? जो अल्फाबेट। हाँ? हाँ। कैसे बनता है? ऐसे। किसको बुद्धू बनाए? तुमको। मुझे बुद्धू बनाई? तुम नहीं बोलते हो ना, क्या सिखाया था? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, तुम नहीं बोलते। तुम का जगह क्या बोलते हैं? मेरा जगह। तुम नहीं बोल के क्या बोलना चाहिए? सुपर हीरो। आप बोलना चाहिए ना, मैं बड़ी हूँ ना। नहीं, आप क्या बोलूं? ओ, तो क्या बोलोगी? कुछ तो बोलूंगी। कुछ भी बोलती हूँ। कभी कभी तो होता ही है। क्या होता है कभी कभी? वो होता है कभी कभी, मुझे वो भी नहीं होता है। कभी कभी छपाई भी नहीं मिलता है। कभी कभी एक बार छपाई मिलता है। वीडियो ना ये देखिए गाइस, ये वाला कलर सेट। और ये इतना लंबा है, आप लेकिन नहीं ले सकते। मैं नहीं ले सकती तो कौन ले सकता है? ओनली बच्चे। अन्य बच्चे के हैं ये। हमारे पास लेकिन आप नहीं ले सकते। क्योंकि ये बहुत महंगा नहीं, महंगा थी ये चाची। चलो मैं कलर करती हूँ। ओके, कलर कर। ये लाल रंग का है। ओके, लेकिन ये भी पेपर बहुत महंगा है। ओके, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। गाइस, आप बच्चे को कुछ जो भी ऑब्जेक्ट सिखाना चाहते हो उस चीज के पिक्चर बना लो और कलर करने दे दो, बच्चे उसको सीख जाएंगे, पहचान जाएंगे। आप उसको रिपीट करो ताकि उसे याद हो जाए। एक दिन में बच्चे नहीं सीखते, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप उसको टाइम दोगे तो वो जरूर सीख जाए। आना को भी हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस करवाया है, तब जाके वो सीख गई है। वो अल्फाबेट पहचान के सब कुछ कर लेती है। सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना आप लोग।